श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझ आ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव किक्त करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म तथा अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना भावित से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।